सर ऐसे अलाउ अलाउ चल दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने की बदसलूकी। जानता नहीं है कौन है वो? आप कैसे? तुम कैसे मेरे पुलिस वाले कितने सीधे करते हैं? गालियां दी, समर्थकों ने धक्का मुक्की की और वीडियो हो गया वायरल। फिर दिल्ली पुलिस ने आसिफ मोहम्मद खान का ऐसे किया इलाज। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने अब कांग्रेस के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की थी। पुलिस ने उनके साथ दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल शाहीन बाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना कर दिया। ऐसी बात पर आसिफ खान बिफर गए। उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बिल्ले बिल्ले। आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि उनके समर्थकों ने हाथ हपाई और धक्का मुक्की भी कर दी। आसिफ मोहम्मद खान का एसआई से बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एसआई समेत तीन पुलिसकर्मी सैकड़ों लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। कांग्रेस से पूर्व पार्षद और विधायक रहे आसिफ मोहम्मद खान पुलिसकर्मी को लाउडस्पीकर के जरिए धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और उनके समर्थक पुलिसकर्मियों को धक्का दे रहे हैं। फिर किसी तरह से पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। जानता नहीं है कौन है वो? आप कैसे? तुम कैसे मेरे पुलिस वाले कितने सीधे करते हैं? इस मुस्लिम एरिया को लूट रहे हो, हम की पटरी तुम क्या करोगे? दुकानों पे कब खुलेगी तुम करोगे? मुझसे कह रहा है ऐसा बोलना अलाउड नहीं है, तुम तय करेगा। अरे बिल्ले बिल्ले बता दें कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की और बदतमीजी के आरोप में आसिफ खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 353 के तहत शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने आसिफ खान को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके साथ मिनहाज और साबिर को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस से एमसीडी काउंसलर की उम्मीदवार है। ये घटना तैयब मस्जिद इलाके की है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने भीड़ को देखा तो मौके पर पहुंच गई थी, जहां उनके साथ अभद्रता की गई। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व विधायक को जेल की हवा खानी पड़ रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।